दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं नीम की पत्ती, और नीम की पत्ती दोस्तों कैसे घर पे तेल बनाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम दो वीडियो बना के दिए हैं, आई बटन पे लिंक है उसका, प्लेलिस्ट के जाके आप देख सकते हैं। उस दोनों वीडियो में दोस्तों भर भर के लोग कमेंट आए कि ये नीम का तेल नहीं है, नीम का तेल पत्ती से नहीं निकलता है, बीज से आता है। दोस्तों आज मैं आपको क्लेरिफाई करेंगे कि नीम का तेल कैसे बनाते हैं और जो नीम का तेल बनाते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये नीम की पत्ती है, और नीम की पत्ती से आइए आपको दिखाते हैं कि झट से तुरंत आप कैसे तेल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जो देख रहे हैं जो नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती को दोस्तों हमको निकाल लेना है। और एक बात आपको बता दूं कि इसका नीम का तेल तो हम बता के आपको दिखाएंगे ही, और नीम के तेल के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ आप और दिखाएंगे हम कि इसमें जो नीम की पत्ती का अर्क कैसे बनाते हैं और उस अर्क को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये इसमें फूल भी आना शुरू हो गया, ये अप्रैल चला महीना और ये कहीं कहीं मार्च और अप्रैल में दोस्तों फूल आना शुरू होता है, और उसके बाद धीरे धीरे इस पर फल भी आएगा, जिसे नीमबोली बोलते हैं दोस्तों, नीमकौड़ी भी कहते हैं, और वो भी दोस्तों आपके पौधे के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। ये करीब करीब आपको मई और जून के महीनों में नीम के पौधे से आपको ये मिल जाएगा, और इसको आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपके पौधे के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये। दोस्तों इसकी पत्ती को हम सभी निकाल लेते हैं। अब एक काम है आपको ये करना है कि जब भी आप नीम का तेल बनाने जाएं, तो जब ये आप निकाल लिए तो मैं आपको क्वांटिटी आप नोट कर लीजिए। जो ये सीख है, सीख को आपको हटा देना है, आपको ध्यान रहे, बस केवल पत्ती को आपको लेना है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी सी एक ध्यान देना है कि अगर आपको लेना है इसको, तो आप इतना सा अगर पत्ती ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ऑयल बनाने के लिए आप इतना अगर पत्ती ले लेते हैं, तो करीब कम से कम आपको इतना ही आपको ऑयल भी लेना है। दोस्तों करना क्या है इसको देखिए, अगर आपकी जो पत्ती है, पत्ती अगर आपका सॉफ्ट नहीं रहेगा तो उसको आपको धुल लेना है, ये आपको ध्यान रहे। आप पानी में इस तरीके से इसको वॉश कर लीजिए अगर पत्ती साफ ना रहे तो, और नहीं तो दोस्तों अगर पत्ती साफ़ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्ती हमने ले रखा है दोस्तों ये बिल्कुल साफ़ है, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम इसमें डाल लेते हैं, और इसके बाद इसमें हम ले लेते हैं ऑयल। दोस्तों जो ऑयल आपको लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, ये आपको ध्यान रहे, कोकोनट ऑयल लेंगे या तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए इतना ही करीब हमने ऑयल भी ले लिया, और इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको करना क्या दोस्तों, इसको हमको बारीक से इसको पीस लेना है। बारीक से देखिए हम पीस लिए। अब इसे करना क्या है कि इसको किसी बर्तन में आपको निकाल लेना है। देखिए इस बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम आगे बताएंगे आपको। दोस्तों जो आप देख रहे हैं जो नीम की पत्ती है, इस नीम की पत्ती को भी हमको पीस लेना है। अब कितना इसमें इसको यूज करना है, इस पत्ती को, तो इस पत्ती को दोस्तों जितना आप चाहेंगे उतना यूज कर सकते हैं, बस इतना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना इसको इस्तेमाल करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको पीसते समय इसमें आपको डालना है पानी, ये आपको ध्यान रहे। देखिए हम इसमें पानी डाल लेते हैं हल्का सा, और इसके बाद इसको भी हम पीस लेते हैं। देखिए इसको भी हम बारीक से पीस लिए, देख सकते हैं। अब इसको भी हम डाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। अब उसके बाद दोस्तों करना क्या है, देखिए दो हो गया, इसमें मैंने डाला है ऑयल और इसमें मैंने डाला है पानी। अब दोनों को दोस्तों करना क्या है कि कम से कम 10 मिनट तक धीमी आंच पे इसे गर्म करना है। देखिए ये ऑयल वाला है जो ये गर्म होना ये शुरू हो गया। इसमें आपको एक काम है करना है कि इसको हमेशा इस तरीके से आपको चलाते रहना है। दोस्तों अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा, ये आपको ध्यान दें। अगर ये 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पे गर्म करना है तो इस तरीके से आप इसको चलाते रहिए। और ये जो है ये देख रहे हैं ये पानी वाला है। तो दोस्तों 10 मिनट बाद इसको आपको दिखाते हैं कि ये बन के हो गया तैयार। और इसकी आपको पहचान क्या है, जैसे अभी इस तरीके से जब उठा के देखेंगे तो ये जो कलर है, कलर बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, इसको हम उतार लेते हैं, उतार के इसको हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए इसको हम ठंडा कर लिए, और ठंडा करने के बाद अब इसको करना क्या है, इसको बारीक आपको इसको छान लेना है। दोस्तों कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूती कपड़े का या छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको छानने के लिए।
अब इसको अच्छे तरीके से इसका हल्का सा प्रेस कर देंगे तो पूरा ये ऑयल देखिए इसमें भी अभी आयल है, इस तरीके से अगर प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा आयल। देखिए ये बन के आयल आपका हो गया ये तैयार। अब दोस्तों करना क्या है, जो दूसरा वाला था उसको हम गरम कर लेते हैं। इसमें आज पे कम से कम 10 मिनट तक। देखिए ये बन के हो गया तैयार, अब इसको भी हम उतार लेते हैं और उतार के ठंडा कर लेते हैं। देखिए इसको हम ठंडा कर लिए और ठंडा करने के बाद इसको हम छान लेते हैं। दोस्तों इसको भी छानने के लिए आप सूती कपड़े का इस्तेमाल करिएगा या पतला छन्नी का इस्तेमाल करिएगा ताकि बारीकी ये छन जाए। और इसको हम इस तरीके से प्रेस कर देते हैं ताकि पूरा इसका अर्क पानी में चल जाए। अब दोस्तों देखिए अर्क बन के हो गया तैयार और ये जो है ये आप देख रहे हैं ये आयल बन के हो गया तैयार। अब इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। देखिए ये आयल है और ये अर्क है, दोनों में बस फर्क ये है दोस्तों कि ये जो पत्ती का अर्क है इसको पौधे पे आप यूज कर सकते हैं और जो नीम का जो आयल है इसको आप दोस्तों हर जगह जहाँ जहाँ भी यूज करते हैं वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि पौधे पर भी इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो पत्ती के जो अर्क आप देखें इसका मैंने वीडियो बना के डाला था और मैंने थंबनेल पर लिख दिया था नीम का तेल। दोस्तों होता है क्या कि यूट्यूब पर थोड़ा सा क्लिक बैट चलता है और क्लिक बैट के चलते मैंने लिख दिया था तो इस वजह से दोस्तों होता क्या है वीडियो थोड़ी सी रैंक करती है। और ये जो है ये असलियत में ये पत्ती का नीम की पत्ती का अर्क है, इसको अगर यूज करना है आपको तो लीजिए 1 ड्रॉप पानी और 1 ड्रॉप पानी में आपको 10 ml 15 ml 25 ml तक इस नीम की पत्ती के अर्क को डालिए और डालने के बाद यूज करिए। सब्जियों वाले पौधे इस समय जो गर्मियों के पौधे आप लगा रखे हैं सब्जियों में जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची को, टमाटर को, जितने सब्जी लगा रखे हैं सभी सब्जियों पे इसे 10 दिन पे एक बार इसे यूज करिए, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ तक कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पर बहुत अच्छा ये काम करेगा जो पत्तियों का अर्क है। उसके बाद बात आती है इसको रीस्टोर करने के लिए, तो इसको स्टोर दोस्तों आप कर सकते हैं जो इसका अर्क है। अर्क में दोस्तों अगर 1 लीटर अगर आपके पास अर्क आप बना के रख दिए हैं तो उसमें हल्का सा कम से कम 5 ग्राम फिटकरी उसमें डाल के उसको मिक्स करके उसको रख दीजिए। तो ऐसा क्या है कि आप 3 से 4 बार 5 बार इसे आप यूज कर सकते हैं, दोबारा इसे हर 15 दिन पे यूज करना है। हाँ इसको किसी भी पौधे भी यूज कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए आप मार्केट से दवा लेके आते हैं उसको यूज करते हैं उसको हर जगह वहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत दोस्तों इसका अच्छा परिणाम है, एक बार इसे बना के और यूज करिए देखिए, फ्री की चीज़ें हाँ मेहनत लगती है बनाने में लेकिन अगर बना लेते हैं यूज करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो आप देख रहे जो मैंने बनाया आयल बनाया है इसको दोस्तों इसको भी पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं लेकिन 1 ड्रॉप में इसको यूज करना मात्र 1 से 2 ml, बस दोनों में फ़र्क यही है। हाँ इसको आप बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, आप अपने सर पे भी यूज कर सकते हैं, आपने हर जगह जहाँ पे ड्राई स्किन है वहाँ पे भी इसको आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। दोनों में दोस्तों बस फर्क यही है, बहुत विशेष अंतर नहीं, काम दोस्तों बहुत अच्छा काम करेगा दोनों। बस अतः यह है कि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते थे कि जो आयल निकलता है जो आयल होता है आप ये देख रहे हैं जो निम्बोली इससे होता है। हाँ दोस्तों बात आपकी सही है कि जो निम्बोली होता है इसे निमकौड़ी भी कहते हैं और जो फल का जो नीम का जो फल होता है उसे निमकौड़ी और निम्बोली दोनों दोस्तों बोलते हैं, असली नाम इसे निम्बोली कहते हैं। इससे निकलता है ये, अब इसका उपयुक्त समय आ गया है, ये करीब करीब ये अप्रैल मई जून में आपको पौधे पर मिल जाएंगे नीम की पत्ती पर, तो इससे भी दोस्तों निकलता है ये। दोस्तों ये सही बात है कि इसके बीज से आयल निकलता है और बहुत दिनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। जो मैंने ये बना रखा है इसको भी बहुत दिनों तक आप स्टोर करिए, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और इसको कभी भी इसको यूज करते रहिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का बस मतलब यही था कि आप बहुत कन्फ्यूज थे, हमेशा आप भर भर के कमेंट करते थे कि आप जो नीम का तेल ये पत्ती से नहीं निकलता है ये सीड्स निकलता है, आपका कहना सही है लेकिन इसको भी बनाइए, दोनों को बनाइए, दोनों को बना के यूज करिए। अगर रिस्पांस न मिले रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो ये बचा हुआ भाग है, जैसे ये जो बचा हुआ भाग था
इसको दोस्तों करना क्या, इसको आपको फेंक देना है, इसको यूज ना करिएगा। हाँ, बॉडी पे इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रब के रूप में, हल्का सा स्क्रब करिए, स्क्रब कर उसके बाद वॉश कर लीजिए। लेकिन दोस्तों पौधे पे इसको नहीं यूज करना। पौधे पे जब भी यूज करिएगा तो जो ये वाला है, जो नीम की पत्ती के जो अर्क वाला है, इसको दोस्तों करना क्या है कि ये जो देख रहे हैं इस तरीके से आप मिट्टी में, गमले की मिट्टी गुड़ाई करके इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, और स्प्रिंकल करने के बाद फिर दोबारा मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद दादी उसमें दे दीजिए पानी। मिट्टी में दोस्तों फंगस होता है, फंगस भी मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। हाँ, जाते आते एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जो ये नीम की पत्ती का अर्क आप देख रहे हैं, इसको मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 10 लीटर लिए पानी, तो 10 लीटर पानी में आप उसको 500 ml से डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद उसके बाद मिट्टी में जिस तरीके से पानी आप देते हैं उस तरीके से पानी 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप दे दीजिए। मिट्टी में दोस्तों जो फंगस है, फंगस पे भी बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों आप जानते हैं जो नीम की पत्ती होती है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, और यहाँ तक दोस्तों ये फर्टिलाइजर के भी काम करती है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर। देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।